पितृपक्ष, आपने 15 दिन 16 दिन बहुत पितरों को मनाया, हर तरीके से आपने यत्न किए उन्हें मनाने के, लेकिन जब लास्ट मौका होता है, यानी उनकी विदाई का मौका होता है, तब आप चूक कर जाते हैं कहीं ना कहीं। छोटी सी गलती हमें पूरा साल परेशान करती है। श्राद्ध हो गया मतलब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। पितर जब आए हैं वैकुंठ से तो आपने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया था, इसलिए घर साफ किया, आपने अपना जितना भी व्यसन करते थे सब बंद कर दिया, गलत हरकतें बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब जाने का समय आ रहा है तब क्यों नहीं आप उनकी तरफ ध्यान देते? क्योंकि विदाई भी कहा जाता है ना, विदाई इतनी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि आपको खुशियों का आशीर्वाद दे करके ही पितर जाए। अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या है इस पर 28 तारीख की, यानी आपने सर्व पितृ श्राद्ध जिस दिन होता है उस दिन आपने पितरों की विदाई करनी है। और ये विदाई आपको मालूम है कब की जाती है और कैसे की जाती है? शाम को सूर्य अस्त के बाद ही विदाई होती है। आप ये मत सोचिएगा कि 12-1 बजे आपने किसी ब्राह्मण को खाना खिलाया और आपका जो है सर्व पितृ श्राद्ध खत्म हुआ, बस ये आपकी जिम्मेदारी सारी खत्म। नहीं, पितर वही है, विराजमान है आपके आसपास ही, आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी विदाई कीजिए, उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ उन्हें रुखसत कीजिए ताकि वो दोबारा वैकुंठ में जा करके विराजमान हो जाए, वहीं निवास करें और आपको खुशी खुशी से आशीर्वाद देते रहे। शाम को सूर्यास्त के बाद आपने ये विधि करनी है पितरों को विदाई देने के लिए। 2 रोटी बनानी है आपने, आटा गूंदना है उतना जितने में सिर्फ आपकी 4 चीजें बन जाए, 2 रोटियां, छोटी छोटी 2 मोटी रोटियां और 2 छोटे छोटे दिए, आटे के ही दिए बनाने, उतना ही आटा होना चाहिए, उससे ज्यादा आटा नहीं होना चाहिए। 2 रोटियां बनाए, 2 दिए बना करके रखे, और जो रोटी बनाएंगे वो तवे के ऊपर जैसे ही आप रोटी डालते हैं उसको पलटना नहीं है, बस एज इट इज ही आपने उठा लेनी है। और जो कच्चा हिस्सा जो ऊपर की तरफ, एक तो तवे की तरफ का हिस्सा होता है, एक ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सों पे दोनों के रोटियों के ऊपर आप दिए रख लीजिए। प्लेट एक साफ सुथरी ले लीजिए, उसके अंदर आप ये सामान सारा रखिए। दियों में आप सरसों का तेल भरिएगा और बत्ती लगा करके साथ में एक लोटा जो है, कलश जो है, जल से भर करके रख लीजिए। 2 स्टिक 2 लकड़ियां छोटी छोटी इतने साइज की आप लकड़ियां ले लीजिए, 2 लकड़ियां भी आप उसी प्लेट के अंदर रखिए। दिए को जला लीजिए और आपने पूरे घर में हर कोने में उन दियों की रोशनी को घुमाना है, यानी प्लेट में जो आपने रखा है सामग्री, आपने पूरे घर का एक एक कोना खाली नहीं रहना चाहिए। हमने आपको बता रहे हैं कि विदाई कैसे की जाती है, क्योंकि उनका निवास कोई बड़ी जगह पे नहीं होता, हो सकता आपके घर के किसी कोने में उनका निवास हो रहा हो, या वहां वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद देने के लिए कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो आपने हर कोने में, घर के हर एक कमरे में जाकर के इसको, दिए को घुमाना है, साथ में पानी का छींटा करते जाना है और पितरों से क्षमा के साथ साथ उन्हें वापस वैकुंठ जाने का आग्रह करना है। ऐसे करते हुए आप अपने पूरे मेन दरवाजे से बाहर निकल आए। जैसे ही आप बाहर निकल आए और अपने घर की दहलीज के ऊपर नहीं, घर से बाहर, यानी आप अगर आप किसी फ्लोर वाली बिल्डिंग्स के रहते हैं तो बिल्डिंग की जो एंट्री है, सड़क से जुड़ती हुई जो एंट्री है, वहां पे जाकर के दोनों साइड पे, घर के दोनों ओर, दोनों तरफ आपने ये एक रोटी दिया और एक स्टिक, और दूसरी तरफ भी रोटी दिया और स्टिक रख देनी। थोड़ा जल इस तरफ आपने पानी का डालना है, थोड़ा सा जमीन पर थोड़ा इस तरफ डाल करके आपने पितरों से क्षमा याचना करते हो कि आपसे अगर कोई भूल हुई है, कोई त्रुटि रह गई आपको मनाने में, तो आप कृपया करके हमें क्षमा करें। और आप वैकुंठवासी हैं, आप वैकुंठ जाकर के आप वहां पे विराजित रहें और हमारे परिवार में शुभकामनाएं दे करके जाएं, खुशियां दे करके जाएं, तरक्की दे करके जाएं, ताकि हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए मोहताज ना होना पड़े, कोई परेशानी ना उठाना पड़े। आप अपने परिवार को पूरा सुरक्षित रखें, ये कामना करते हुए आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए आप अपना लोटा जो है खाली कर करके पूरा और अपनी प्लेट वापस ले आए और पीछे मुड़ कर ना देखें जब भी आप इधर जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ करके देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फिर मन करता है कि वो वापस आ जाए या उनका मन करता है कि हम वापस चले जाए, तो ये एक लिंक कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी होता है। जब वो चले जाते हैं, क्योंकि शांत मन से जब उनके भेज रहे हैं तो एक तृष्णा अट्रैक्शन ना रखें ताकि उनकी आत्मा फिर से वापस आने को विचलित तो हो रही हो,
तो प्रणाम करके सीधा आप मुख अंदर की तरफ करें और वापस घर आ जाएं। शांत मन से सारी विधि करें, आपके पितर बहुत शांत होंगे, आशीर्वाद देकर के जाएंगे, आपको कष्टों से हमेशा दूर रखेंगे। आपको ये उपाय जरूर करना है और अपने पितरों को शांत करना है। फिर अच्छी वीडियो के साथ जल्द से जल्द हाजिर होंगे। लेकिन मेरे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को, आचार्य जीतू सिंह के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फिर से चाहते हैं। नमस्कार।